ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोए सब साहुलम नमी ऊन जड़म वीरम अनंत वर्णान दंशन सहाव मोक्षा सारम केवली सुद नियमसार बड़िदम आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह महान शास्त्र है इसमें <coughs> शुद्धात्मा की कारण परमात्मा की बहुत ही सुंदर चर्चा आचार्य कुंद कुंद की है इस पर गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन किए हैं कारण कार्य नियम उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं गाथ है नंबर छह अपन स्वाध्याय में ले रहे हैं क्रम से व्यवस्थित अब इसमें अठारह प्रकार के दोषों की चर्चा अपनी लगभग हो गई है उसी को अपन पढ़ रहे थे अभी अपन को कोष क्रमांक 140 ये अपन को लेना है अठारह प्रकार के दुष्ट हो गए थे अब वो रांग थोड़ा सा इसमें बच रहा है वो पढ़ता हूँ मैं देखो क्या है और उनको समुद्र जितने सातावेदनी कर्मों के कर्मोदय के मध्य भगवान को तो समुद्र जैसा सातावेदनिये का उदय है बिंदु जितना असाता वेदनीय कर्मोदय बरतता है वह मोहनीय कर्म के बिल्कुल अभाव में लेस मात्री क्षुदा या तिरसा का निमित्त कहाँ से होगा भगवान को क्षुदा तिरसा नहीं होते नहीं होगा क्योंकि चाहे जितना असाता कर्म हो तथापि मोहनीय कर्म के अभाव में दुख की वृत्ति नहीं हो सकती तो फिर यहाँ तो जहा अनंत गुणे साता वेदनीय कर्म के मध्य अल्प मात्र असाता वेदनीय कर्म वर्त्तता है वहां चुदा तृषा की वृत्ति कहां से होगी इन दो बोल को सिद्ध किया है पहले 11 को सिद्ध किया था 11 क्यों नहीं ऐसा सिद्ध किया था ये दो क्यों नहीं ऐसा सिद्ध करते हैं समझ में आया देखो क्या कहते हैं ये चर्चा ये चल रही है कि जो अरंत भगवान होते हैं उनको भूख लगती है कि नहीं उनको प्यास लगती है कि नहीं उनको पसीना आता है कि नहीं उनको नींद आती है कि नहीं उनको हमारे जैसे सुख दुख अनुभव होते हैं कि नहीं होते ऐसे अठारह प्रकार के दोष गिनाए तो जो श्वेतांबर मत है वो ऐसा मानते हैं कि जे अरंत भगवान को भूख प्यास सब लगती है लेकिन जो दिगंबर है वो कहते साहब इस प्रकार के दोष अगर अरंत भगवान में भी होंगे तो फिर वो भगवान ही कैसे फिर उनको तो संसारी जैसे दोष पाए जाते हैं और दूसरा फिर कारण देते हैं कि वो क्यों नहीं पाए जा सकते? तो कहते बिना मोहनीय कर्म के इस तरीके की प्रवृत्ति हो नहीं सकती दूसरी बात जो उनका आघाती कर्म शेष है उस आघाती कर्म में भी जो पुण्य की प्रकृतियां हैं वो तो समुद्र जितनी है और जो पाप की प्रकृतियां हैं वो एक बूंद जितनी है तो समुद्र के सामने एक बूंद कितना तो इस तरीके से भगवान में ये दो संभव नहीं है अब देखो इससे क्या सिद्ध होता है कि वर्तमान में बहुत सारे जीव अधिकतर जीव मिथ्या दृष्टि जीव ये नहीं समझते कि दुख का कारण कर्म है सभी लोग ये समझते हैं कि सुख और दुख पुण्य और पाप से होता है अगर हमारा पुण्य का उदय आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे हमारा पाप का उदय आ जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे जबकि वास्तविकता ये नहीं है पुण्य और पाप का उदय तो अघाती कर्मों का उदय अघाती कर्म मतलब क्या जिसका जीव के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है जो जीव के स्वभाव का घात करने में समर्थ भी नहीं है निमित्त भी नहीं है जिसका सारा संबंध शरीर से संयोगों से जो आत्मा से भिन्न पदार्थ है उनसे जिसका संबंध है उसका नाम अघाती कर्म है और सारी दुनिया जितने धर्म जितने पंथ संप्रदाय जितने उपदेश जितने प्रवचन चल रहे हैं वे सारे के सारे अधिकतर अधिकांश पुण्य और पाप की व्याख्याओं में लगी हुई है दो तरह की बातें चलती हैं पुण्य करो पाप मत करो पुण्य का उदय अच्छा है पाप का उदय बुरा है पाप का उदय आएगा तो दुखी हो जाओगे पुण्य का उदय आएगा तो सुखी हो जाओगे <clears throat> पुण्य करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे और पाप करोगे तो नरक चले जाओगे तो ये सारी व्याख्याएं उन दो चीजों पर टिकी हुई है जिनका जीव से कोई संबंध ही नहीं है अब सबसे मजेदार बात यह है कि दुख का कारण है दुख का कारण है मोह वो तो समझते नहीं समझाते नहीं और पुण्य और पाप दुख का कारण है पुण्य परिणाम अच्छे हैं पाप परिणाम बुरे हैं इनमें ही संसारी मिथ्या दृष्टि जीव अनादि काल से जब भी अनादिकाल अपन इसलिए लेते हैं कि जीव अनादि काल का है लेकिन जो एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री असंगी तक की पर्याय है वहाँ तो जीव का कुछ हितायत का विचार ही नहीं है वहाँ तो कुछ नहीं है लेकिन जब भी जीव को अपने आत्म कल्याण करने का मोक्ष मार्ग पहचानने का मिलने का मोक्ष में जाने का जब भी अवसर मिला तब ये जीव यही गलती करता है और वर्तमान में भी हम अपने आप को चेक करेंगे तो हम भी देखेंगे कि अभी भी वर्तमान में चाहे मोक्षु हो चाहे मोक्षु हो मुमोक्षुओं की बात करें तो मोमोक्षुओं को भी पुण्य पाप की बहुत चिंता है ये काम मत करो इसमें पाप बनेगा एक काम मत करो इसमें इसमें इतना पाप बनेगा भैया कम से कम पुण्य तो बन गया तो ये पुण्य और पाप संबंधी भूल मिटती नहीं ऐसे ही अरहंत भगवान के संदर्भ में भी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब अरहंत भगवान के मोहनीय कर्म की सत्ता का नाश ही हो गया क्षय हो गया छायक हो गया, छायक भाव प्रकट हो गया तब उनके लिए जो अघाती कर्म है वे सुख दुख में निमित्त कैसी बनेगी मैंने ऐसा समझ लो कि अरहंत भगवान को समूह लगता है ठीक है जो तीर्थंकर भगवान होते हैं अरंत तीर्थंकर परमात्मा होते हैं उनको समूह शरण की रचना होती है तो बताइए कोमल जी अरंत भगवान को खुशी होती होगी कि हमारा समूह लग गया हमारे समोषण में इतने सारे लोग बैठ गए सौधर इंद्र आ गया कोई उनको उससे कोई फर्क पड़ता होगा अच्छा चलो दूसरी बात करो एक दूसरे अरंत भगवान है जो तीर्थंकर नहीं है उनके समोषण नहीं लगता तो उनको कोई दुख होता होगा कि मैंने अगर तीर्थंकर प्रकृति बांधी होती तो आज मेरा भी समोषण लगता तो ऐसा नहीं होता ना निर्विकल्प है कोई विकल्प ही नहीं है बराबर ऐसा क्यों होता है उनको ऐसे विकल्प क्यों नहीं आते ऐसे नहीं पूर्ण स्वरूप प्रकट हो गया है। पूर्ण स्वरूप प्रकट हो गया ये तो अस्थि का कथन हो गया का बोलो। आ, का जब उनका मोह पूरी तरह नासी हो गया तो उनको सांसारिक चीजें सुख दुख कैसे करा सकती हैं उनको इसलिए ये अरंत भगवान का स्वरूप तो समझा रहे हैं समझना ये हमारे लिए अपने लिए है कि हमारे जीवन में भी वर्तमान में हम जो सुख दुख का अनुभव करते हैं उसका कारण पुण्य और पाप नहीं है उसका असली कारण हमारे अंदर में जैसी चलती है जैसे भाव चलते हैं हम जैसी बना लेते हैं हमें वैसी अनुभूति होती है माने वो उदय कुछ नहीं करता देखो जैसे एक आपने नया मकान खरीदा तो आपको नए मकान में बहुत खुशी मिलती है आनंद मिलता है मजा आता है क्यों कि उस समय आपकी फीलिंग रहती है कि हमारा नया मकान नया नया कितना अच्छा कितना अच्छा लेकिन वो मकान तो अपनी जगह रहता है लेकिन उसी में पंद्रह लेते हैं और रह के देख लेते हैं फिर आनंद खत्म हो जाता है तो अब मकान में से अगर आनंद आ रहा था तो अब क्यों नहीं आ रहा अब दूसरे मकान की चाय क्यों हो गई अथवा इस मकान में कुछ नहीं दिखता पहले तो हर चीज दिखती थी पेंटिंग भी दिखती थी दीवारें दिखती थी रूम्स दिखते थे उसका बढ़िया बढ़िया फनी अब कुछ नहीं दिखता क्यों कि सब उसका जो अंतरंग का उत्साह था सुख तो उससे दिख रहा था अब वो खत्म हो गया अब देख लिया तो दूसरा मकान चाहिए तो हमारे पूरे जीवन में हम देखेंगे कि भाई पर पदार्थ न सुख देता है न पर पदार्थ दुख देता है ये तो हमारे मोह के कारण हम पर पदार्थ के संदर्भ में जैसी कल्पना करते चले जाते हैं हमें वैसा अनुभव होता है और हम आरोप लगा देते हैं परद्रव्य पर कि पर साहब हमारा नया मकान बना हमें इसलिए खुशी मिली आनंद मिला अगर मकान नहीं होता तो हमें आनंद नहीं मिलता जबकि वो मकान से नहीं मिला वो काय से मिला है आपकी स्वयं की मोह की कल्पना से अब मजेदार बात क्या है कि हम जीवन के जो जीने का हमारा तरीका है वो बहुत गलत है हम जीवन के एक पक्ष को देखते हैं जो जीवन का दूसरा पक्ष है हम उसको भूल जाते हैं जैसे हम हमेशा युवा है अभी जवान है हम जवानी को तो देखते हैं अपने रंग रूप को देख के खुश होते हैं लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि बुढ़ापा भी आएगा ये सारा चेहरा बद बदसूरत हो जाएगा ये सारे शरीर के बुढ़ापे में इसके चलना बलना हाथ पैरों का कम हो जाएगा कमजोर हो जाएंगे हम ये बात भूले रहते हैं हम जन्म जन्म उत्सव तो मनाते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है लेकिन उसके विरोध में दूसरी चीज उसी समय खड़ी हुई है कि जैसे आज तुम्हारा जन्मदिन तुम मना रहे हो ऐसा ही कुछ समय बाद आपका मरण दिन भी मनाया जाएगा आपकी पुण्य स्मृति में विधान भी कराए जाएगी मंदिर में कराए जाएंगे कि नहीं कराए जाएंगे लेकिन अपन दूसरा पक्ष भूल जाते अपन वो दूसरा याद नहीं करते वो दूसरा याद नहीं कर पाने के कारण हमेशा हम प्राप्त पर्याय में ही तनमय रहते हैं जबकि जो जीवन है जो जीवन की वास्तविकता है पंकज जी द्रव्य की परिभाषा याद है द्रव्य का लक्षण याद है सत द्रव्य लक्षणम ठीक है ना द्रव्य का लक्षण क्या बनाया सत्ता तोले साहब वो द्रव्य में होता क्या है तो बोले उत्पाद व्य ध्रुव युक्तम सत सत कैसा है उत्पाद व्य और ध्रुव स्वरूप जो उत्पाद और व्य तो उत्पाद और व्य जोड़ा है जिसका उत्पाद हुआ है उसका व्यय होगा जिसका जन्म हुआ है उसका नाश होगा ये जोड़ा समझ गए ना जो चीज जन्म लेती है उसका मरण सुनिश्चित है इसलिए जो संयोग है उसका वियोग सुनिश्चित है अब प्रॉब्लम ये है हमारे साथ लोग कहते हैं हमेशा आत्मा में मन नहीं लगता हमारा धर्म में मन नहीं लगता हमें आत्मा की याद नहीं आती आत्मा में ध्यान नहीं लगता हमें सम्यक दर्शन नहीं होता होगा क्यों क्योंकि जब आप दूसरे पक्ष को भूले हुए हो आपको याद ही नहीं है कि मृत्यु भी होना है आप भूल गए हो कि बुढ़ापा भी आना है और आप पूरे तरह एक पक्ष में तनमय हो जीवन चला जा रहा है तो इसलिए जीवन को दो पक्षों में देखना सीखेंगे तो हमारा ये मुंह कमजोर पड़ेगा अगर तुम्हें जवानी बहुत मजा दे रही बहुत अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल उसी समय याद रखना ये ज्यादा दिन नहीं इसमें बुढ़ापा आना ही आना है अगर तुम्हें जन्म उत्सव मनाने की बहुत खुशी हो रही तो उसी समय याद रखना कि इसका जन्म उत्सव मरण उत्सव में भी होना ही होना है अगर आपको ये रंग रूप अच्छा लग रहा है तो इस क्रूपता को भी स्वीकार करना रखोगे क्रूप भी होगा जो रूपवान है वो ही क्रूप होता है जो आज सुख है वो ही दुख होता है जिसकी आज खुशी है कल उसी का दुख होता है ये एक खुशी अलग जगह से आती है और दुख अलग जगह से आता है ऐसा होता है कि पंकज जी नहीं जहां से सुख आया है वहीं से दुख आता है नहीं समझ में आया अब ये शरीर से क्या आ रहा है कि बहुत मजा आ रहा है साहब तो इसी शरीर से दुख भी आएगा जिस बेटे को देख देख के खुशी हो रही है आनंद आ रहा है उसी बेटी के बेटे के कारण एक दिन दुख भी आएगा वही तुम्हें तकलीफ भी देगा वही तुम्हारे मान को भंग करेगा तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाएगा तब तुम सोचो कि हो क्या रहा है लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा है ये ही वस्तु का स्वरूप है दो पक्षों में चीजों को देखो आप एक पक्ष देख के चलते हैं यही दुख है। इसलिए जो जो भगवान ने का नाश किया, वो क्यों किया ऐसा मन में प्रश्न करना चाहिए कि अरहंत भगवान ने मोह का नाश क्यों किया क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई कि संसार में किसी भी कीमत पर सदा काल एक रूप नहीं रहा जा सकता संसार परिणमनशील है और यहाँ पर जो पर्याय उत्पन्न होंगी वो नष्ट होंगी नष्ट होंगी दुख तो होगा दूसरी आएगी फिर परिणमन तो ये बदलाव तो मुझे सुख और दुख के चक्कर से कभी आजाद हो ही नहीं सकता तो उनको ये बात समझ में आ गई कि मुझे उस चीज की खोज करनी चाहिए जिसको पा लेने के बाद ये जन्म और ये मरण ये बुढ़ापा और ये जवानी ये सुख और ये दुख ये दोनों खत्म हो जाने चाहिए अच्छा रंध भगवान ने सुख खत्म किया कि नहीं किया पंकज जी कोमल जी प्रश्न है अरंत भगवान ने दुख को अकेला खत्म किया कि सुख को भी खत्म किया दोनों कल्पना, दोनों कल्पना है हाँ दोनों ही उनने संसारिक सुख को भी और संसारिक दुख को भी दोनों का ही त्याग किया क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई कि ना ये संसार का सुख वास्तविक है और ना ये संसार का दुख वास्तविक है, दोनों की कारण कल्पना होती है, परेशानी आकुलता होती है तो उन्होंने मोह के नाश का उपाय किया तो अभी जो अपने मन में एक प्रश्न चल रहा है उस प्रश्न को बार बार उठाना चाहिए बार बार सोचना चाहिए कि ये जीवन द्वंद्व से कब तक भरा रहेगा कि जब तक हम अपने को पर्याय दृष्टि से बार बार एक ही पक्ष को देखेंगे तब तक मोह ढीला नहीं होगा मोह तभी ढीला होगा जब आप जन्म के साथ मृत्यु को देखोगे आप सुंदरता के साथ असुंदरता को देखोगे आप संयोग के साथ वियोग को देखोगे आप जवानी के साथ बुढ़ापे को देखोगे तो आपको निश्चित ही निर्णय हो जाएगा कि अरे मैं किस पर्याय में तन्मय कर रहा हूँ किस पर्याय में पागल हो रहा हूँ ये तो सब बदलने वाला है तो आप खाली इसी पक्ष को याद मत रखो दोनों पक्षों को साथ साथ याद रखोगे तो उन दोनों ही पक्षों में एकत्व नहीं होगा दोनों ही पक्षों से भेद ज्ञान कर पाओगे लेकिन आप एक ही पक्ष की ओर सारा ध्यान लगा के रहोगे जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय ये प्राप्त पर्याय में तन्मय होने वाले की गति सुधरती नहीं है क्यों नहीं सुधरती वो बेचारा तन्मय बना रहता है उस पर्याय में और वो भूल ही जाता है कि ये पर्याय बदलेगी वो सोचता ही नहीं है कि साहब ये शरीर है तो इसमें बीमारियां भी तो आएंगी हमेशा निरोगी काया बनी रहेगी नहीं हो सकता ना अगर हमने व्यापार किया है तो लाभ और घाटा दोनों सोच के चलते हैं ना विवेक जी क्यों दोनों सोच के क्यों चलते हैं अगर आप अपने बेटे को व्यापार सिखाओगे तो दो बातें हमेशा एक साथ सिखाओगे एक नहीं सिखाते दो बातें सिखाते हो क्या सिखाते हो कि बेटे कभी फायदा भी होता है और कभी नुकसान भी खाना पड़ता है तो देखो आप व्यापार में कितने चतुर हो दोनों बातें समझाते हो तो वो दोनों बातों के लिए राजी रहता है तो कल घाटा लग गया तो वो मरने तो नहीं जाता ना कि हो गया क्योंकि उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि बेटे घाटा भी होगा लेकिन अपन लौकिक जीवन में गलती क्या करते हैं कि जन्मोत्सव तो मनाते हैं लेकिन मृत्यु महोत्सव भूल जाते हैं शरीर की जवानी देख देख के तो आईने के सामने तराते हैं लेकिन बुढ़ापे की ओर देखना नहीं चाहते अगर कोई हमारा सफेद बाल भी दिखने लगे तो उसे हम काला करना चाहते हैं कि क्यों कि भी तो सच्चाई दिखने लगी लेकिन भैया वो सच्चाई देखो वो सत्य है वो छुपा नहीं सकते अगर ये आज अपना स्किन ऐसा बढ़िया दिख रहा है तो ये कल बुढ़ापे में सुखड़ेगा ये मुर जाएगा अर्ध मृतक बुढ़ापनो कैसो रूप लखे आपनो तो जिसने जवानी में ही बुढ़ापा देख लिया उसको कभी बुढ़ापा नहीं दे सकता जिसने जन्म में ही मरण देख लिया उसे कभी मरण दुख नहीं दे सकता जिसने पुण्य पाप दोनों ही आश्रव बंद के कारण देख लिए वो परिणामों में एकत्व नहीं कर सकता परिणामों में एकत्व तो कौन जीव करता है पंकज जी परिणामों में एकत्व तो कौन जीव करता है वे जीव परिणामों में एकत्व तो करते हैं जो जीव या तो वस्तु का स्वरूप ही नहीं समझते अथवा जो समझते हैं लेकिन वो पुण्य और पाप में अंतर मानते हैं तो वे पुण्य के परिणामों को अच्छा मानते हैं और पाप के परिणामों को बुरा मानते हैं तो अपन तो अरहंत के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि अरहंत भगवान समोषण देख के <coughs> प्रसन्न नहीं होते अरहंत भगवान को स्वधर्म सेवा में खड़ा रहता है तो उनको कोई प्रसन्नता नहीं होती उसके कारण होती है क्या नहीं होती ना देखो स्वधर्म इंद्र उनकी सेवा में खड़ा रहता है समूषण लगाता है सब कुछ करता है तो अंदर से अरंत भगवान सोचते होंगे ना कि इंद्र कितना बढ़िया आदमी है इसको जल्दी मोक्ष मिल जाए ऐसे भाव आते होंगे उनको क्यों उनने मोक्ष का सुख भोग लिया तो दूसरे जीवों को मोक्ष का सुख मिले ऐसा भाव आना चाहिए ना क्यों नहीं आता क्यों नहीं आता ऐसा भाव ये भाव तो अच्छा है ना यार जीवों को मोक्ष मार्ग मिले सब जीवों को मोक्ष अजय अनंत भगवान को ऐसी भावना रहती कि सब जीवों को मोक्ष मार्ग मिले नहीं रहती क्यों नहीं रहती क्योंकि वो निर्विकल्प है कोई विकल्प ही नहीं है कोई विकल्प नहीं है नहीं लेकिन ऐसी भावना कर क्यों नहीं करते वो ऐसी भावना निर्विकल्प तो है लेकिन ऐसी भावना करनी चाहिए ना चलो हम तुम्हें करने का अवसर दें तो करनी चाहिए आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसी भावना मुह का चिन्ह है काय का चिन्ह है मुह का और सुनो गजब की बात है अगर मान्यता भी ऐसी हो कि मैं दूसरे जीवों को मोक्ष मार्ग में लगा सकता हूँ तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा ख्याल <laughs> में न, मैंने मुनिराज को अन्य जीवों के प्रति करुणा भाव से ऐसा भाव तो आ जाता है कि जीवों को मोक्ष मार्ग मिल जाए लेकिन अंदर निर्णय पूरा रहता है कि जिस जीव की जैसी योग्यता होगी उसका प्रणमन वैसे ही होगा मेरे विकल्प से एक भी परणमन होने वाला नहीं है अब अपन लोगों को कितनी चिंता है सारी दुनिया की जबकि अभी सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है और अरंत भगवान को तो क्या मिल गया है केवल ज्ञान वीतरागी हो गए सर्वज्ञ हो गए समझ गए लेकिन उन्हें जगत की इतनी सी भी फिकर नहीं है बिल्कुल फिकर नहीं है जबकि उनने आत्मा पूरा पा लिया अभी अपन को आत्मा मिला नहीं है और सारे जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग मिल जाए जैन धर्म मिल जाए सच्चा तरे भाई ये सच्चा तत्व ज्ञान अपन को खुद मिल गया खुद आत्मा का अनुभव हो गया क्या जो जगत की चिंता करने चले हो तो साम जगत की चिंता करें कि नहीं करें ये जगत की चिंता जो करते हो ये अपनी असलियत छुपाने के लिए करते हो ख्याल में आए कि नहीं आया तुम ऐसी एक्टिंग करते हो ताकि धार्मिक दिखो में है ना अंदर से अपनी प्यास अपने चेतन का अनुभव अपनी आत्मानुभूति जगत के जी फलाना जी वरे भाई मैं स्वयं अंदर से आत्मा के लिए कितना प्यासा हूँ ये तो देखो जगत के जीवों पर करुणा तो वो ही कर सकता है असली में जिसने अपने स्वयं चेतन स्वरूप को पाया हो माने उसकी वो करुणा ओरिजिनल है मिथ्या दृष्टि की करुणा डुप्लीकेट है क्यों कि मिथ्या दृष्टि जीव ने खुद ही आत्मा नहीं पाया वो अन्य जीवों को मोक्ष मार्ग की कैसी बात करता है पकड़ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं जैसे एक जैनी सभी को जैनी बनाना चाहता है पंकज जी तो ये भावना अच्छी है कि नहीं हम्म और है वो मिथ्या दृष्टि लेकिन वो चाहता है सबको जैन धर्म मिल जाए तो वो सही आदमी है कि नहीं कि वो बिल्कुल सही नहीं है वो बिल्कुल अन्य जैसा है ऐसे तो मुसलमान भी चाहता है कि सारे मुस्लिम बन जाएं हिंदू भी चाहता है पारसी भी चाहता है सिख भी चाहता है हर कोई चाहता है उसमें क्या बात है क्योंकि वो उससे अपना अहंकार बड़ा होता है मेरा जितना बड़ा धर्म उतना बड़ा मैं अगर मेरे धर्म को सब स्वीकार कर ले तो मैं भी महान हो जाऊंगा क्योंकि वो धर्म मैं मानता हूँ तो असली में वो कोई अच्छी भावना नहीं है वो अंतरंग में जाकर देखा जाए तो वो प्योर अहंकार के पोषण के लिए ही किया जा रहा है ऐसे ही हमारी संस्था बहुत फले फूले हमारी संस्था से तत्व प्रचार ज्यादा हो ये सब अहंकार है इनमें कभी भूल कर भी धर्म मत मानना धर्म की खोज भी मत करना अथवा ये मत सोचना कि ये कुछ धर्म का कार्य है देखो भाई व्यक्तिवाद संस्थावाद परिवारवाद ये जितने भी वाद है ना ये सब बुरे हैं इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है जिसे असली धर्म मिलेगा वो आपको कभी भी अगर मिलेगा तो वो आपसे एक ही बात कहेगा आप कहोगे साहब मुझे धर्म करना है तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि आप मेरी संस्था में आ जाओ वो कभी ये नहीं कहेगा कि आप डोनेशन करो आप दान करो आप साहब ये पढ़ो वो ये कुछ कहेगा ही नहीं वो सिर्फ आपसे एक ही बात कहेगा कि अपने आत्मा को पहचानो अपने स्वरूप को पहचानो तुम कौन हो तुम्हारा क्या स्वरूप है तुम इसको देखो टोडा मल जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब ये बात कही तो यही कही कि भली होना उस चीज की है जो ऐसा विचार करता है कि मैं कौन हूँ क्या मैं ये शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ मैं जानने देखने वाला हूँ कि राग देश करने वाला हूँ मैं शरीर की क्रिया करने वाला हूँ कि मैं जानने की क्रिया करने वाला हूँ ऐसे जो जीव विचारों में उतरते हैं ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अवसर बनते हैं और जो जीव पंत संप्रदाय के पोषण में लगे रहते हैं प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं अपनी संस्था बड़ी हो जाए अपना मंडल बड़ा हो जाए अपना ग्रुप बड़ा हो जाए अपना संगठन बड़ा हो जाए इन्हीं कामों में जो रात और दिन लगे रहते हैं वे भ्रम से अपने को भले धार्मिक मान लें और सारी दुनियाओं ने धार्मिक मान लें लेकिन उनमें धार्मिकता का कोई उससे नहीं आता धार्मिकता तो केवल केवल और अपने के करने से, अपना शुद्धात्मा का निर्णय करने से अपनी आत्मा का अनुभव करने के अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय धार्मिक होने का नहीं है ये निर्णय जो जीव करेगा उस जीव की ही होनहार भली है इसलिए जब तुम्हें बिना सम्यक दर्शन के भी बहुत प्रभावना करने का भाव आए तो समझ जाना कि ये प्रभावना के लिए है। क्या कह रहा मैं कठिन कठिन बात है <laughs> पंकज जी क्या कह रहा हूं है? बिना सम्यक दर्शन के बहुत ज्यादा प्रभावना करने का भाव आए क्या कह रहा हूं मंदिर बनवाने का जिनवाणी छपवाने का और, -और गुरुओं की सेवा करने का और, -और बड़ा संगठन बनाने का संस्था ये सब कोई बिना जो कि काम है ये सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के लिए होता भले ही जीव कितनी कोशिश करे कि नहीं मैं साहब अहंकार के लिए नहीं कर रहा हूँ लेकिन अंतरंग में जाके देखेगा तो उसे मान कसाये दिखाई देगी कि आप साहब कैसे कहते हो तो वो ऐसे कहते हैं कि जैसे उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जाता है तो फिर वो एक काम नहीं करता अंतर समझ में आएगी नहीं आया जैसे अभी आप रात और दिन किसी संस्था के लिए काम कर रहे हो मैंने आपसे पूछा कि साहब आप इतना काम क्यों करते अरे बोले साहब जिन धर्म की प्रभावना होनी चाहिए लोगों तक जिनवाणी पहुंचना चाहिए तत्व पहुंचना चाहिए ये बड़े ऐसी अपन को, तो को सही बात है कहीं अपने कहा बहुत अच्छा साहब बहुत अच्छा और अपन तो दान भी इसलिए करते सब करते ठीक है लेकिन उसी व्यक्ति को जब कमेटी का चुनाव हुआ और वो हार गया तो वो जो अध्यक्ष था वो मंत्री था उस पद से उसको वहां से हटना पड़ा तो वो ही व्यक्ति उसी संस्था के विरोध में चला जाता है वो ही व्यक्ति उस संस्था में आना बंद कर देता उसको फिर प्रभावना की चिंता नहीं सताती तो उससे कहो कि अब क्या हो गया तो वो कहता साहब अरे ये लोग क्या प्रचार करेंगे क्या कुछ करेंगे अब मैं तो हूं ही नहीं संस्था में मेरे कोई लेना दे तो वो अंतरंग में गहराई में जाके देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि ये सब कोई जिन शासन की प्रभावना के लिए नहीं कर रहा मैं ये सब में अपने अहंकार के पोषण के लिए कर रहा हूं इसीलिए जिन जीवों को वास्तव में आत्मा का अनुभव करना हो उनको ये निर्णय करना ही पड़ेगा कि हमें पंथ संप्रदाय समाज इन सब चीजों से कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा उतना ही जुड़ना है जितनी एक सामाजिक कर्तव्य बनता है आवश्यकता बनती है इससे ज्यादा मुझे कुछ क्यों नहीं करना क्योंकि वहां सब कुछ लुट जाता है ख्याल में है ना एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ लीची नाम का दार्शनिक क्या नाम था उसका लीची लीची था या लीची जो भी है उस आदमी ने अपने संदर्भ में ही ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ा दी कि उसको समाज ने पूछना बंद कर दिया समझ में है ना लोगों ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया और जब वो मरने लगा तो जब मरने ही लगा तो लोगों को बहुत लगा कि भाई उस व्यक्ति को अब तो वो बूढ़ा हो गया और मरने ही वाला है देख के तो आए और जाके देखा तो वो तो अपने बहुत आनंद से अपनी आराधना अपनी भक्ति में आत्मा में ली तो लोगों ने करी इसके बारे में तो हमने पता नहीं क्या क्या सुना था तो उससे कहा कि आपके बारे में तो हमने बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना है कि आप तो समझ लो अपनी भाषा में क्या तो सक्षंद हो ख्याल में आए कि नहीं आया तो उसने कहा कि वो अब बाएं मैं नहीं उड़वाई थी कि क्यों कि ताकि मुझे लोग डिस्टर्ब नहीं करें मुझे लोग मान सम्मान नहीं दें और मैं अपनी आत्मा की खोज शांति से कर सकूं। ख्याल में है कि नहीं आया <laughs> इतनी बढ़िया शिक्षा है, है तो ये श्रीमद जी ने भी बोला है कि अल्प परिचय बहुत अच्छी चीज होती है अल्पभाषी अल्प व्ययी अल्प और अल्प परिचय इससे क्या होता है कि ज्यादा बोलना बेकार है ज्यादा परिचय बेकार है और ज्यादा संचय बेकार है जो ज्यादा जोड़ने में लगी रहती है उनका भी उपयोग बर्बाद होता है जिनको ज्यादा बोलने की आदत होती है उनका भी बहुत उपयोग बर्बाद होता है और अल्पभाषी अल्पसंजय और अल्प परिचय जिनका परिचय बहुत होता है उनको कभी यहाँ से फोन आता है कभी वहां से फोन आता है कभी ये संस्था अध्यक्ष बना रही है कभी वो बनाए भी बेचारे खामोई खा के दुखी है तो परेशान है अध्यक्ष कोई कह रहा साहब आज हमारे यहाँ क्या करे साहब है ना इसलिए जो गुप्त दान महाकल्याण लिखा ना आचार्य भगवंतों ने वो इसलिए लिखा कि अगर गुप्त दान करोगे तो तुम्हें कोई जानेगा नहीं और तुम नाम दे दे के दान करोगे तो फिर लाइन लग जाएगी और तुम्हारा सारा उपयोग और उसमें ही चला जाएगा तो देखो पहले तो अपन ये निर्णय करें अंदर में बैठ के निर्णय करें एकांत में बैठ के निर्णय करें क्या मुझे आत्मा की सच्ची प्यास जगी है क्या मुझे वास्तव में इस संसार में दुख लगा है क्या मुझे वास्तव में पंच इंद्री के विषय भोगों में सच्चा सुख नहीं है शाश्वत सुख नहीं है सदाकाल रहने वाला नहीं है क्या ये निर्णय हुआ है क्या मुझे वास्तव में देह और आत्मा में भेद ज्ञान हुआ है क्या मुझे वास्तव में अकर्ता ज्ञायक स्वभाव का निर्णय हुआ है क्या मुझे वास्तव में सर्वज्ञता पे भरोसा हुआ है सर्वज्ञ भगवान ने जिस द्रव्य की जिस समय जो पर्याय जैसी देखी होगी वैसे ही होना है उसमें मेरा क्रंच मात्र भी हेर -फेर करने का कोई उपाय नहीं है है क्या मुझे निर्णय हुआ है? अगर आपकी अंतरंग से आवाज आती है एस, मुझे ये सब निर्णय हुए हैं तो वेरी गुड बहुत अच्छा अपनी आत्मा की आराधना और करो और अगर तुम्हारे अंदर से ईमानदारी से आती नहीं मुझे अभी सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है मुझे तो अपने पुरुषार्थ पे भरोसा है मुझे सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है मुझे तो अपनी बुद्धि पे भरोसा है कि मैं दिमाग लगाऊंगा तो काम बन जाएंगे और मैं दिमाग नहीं, नहीं लगाऊंगा तो काम बिगड़ जाएंगे मुझे तो अभी ये पक्का भरोसा है कि ये शरीर का कर्ता धरता मैं हूं अथवा ये भरोसा है कि ये शरीर का कर्ता धरता मैं नहीं हूं इसका परिणमन स्वतंत्र है ये सब चीजें आपको रोज एकांत में बैठ के देखनी ही देखनी है देखो भाई हम अपने को व्यस्त क्यों रखना चाहते हैं कोमल जी आप बहुत व्यस्त है ना हम्म आप बहुत व्यस्त है मुझे पता है मैं आपको देखता रहता हूं आप वैसे ही अपने जीवन में व्यस्त हैं ये बात तो परम सत्य है ठीक है ना और आपका जो बचा हुआ टाइम है वो भी आपने कुछ ना कुछ खोज रखा है कभी इसकी क्लास कभी उसकी क्लास कभी ये कभी वो हमें ये नहीं कह रहा हूँ ये सही और गलत है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं मैं सिर्फ ये सोचता हूँ विचार करना अंदर से कि इन सब चीजों में मैं व्यस्त रह के क्या आत्मा के अंतरंग की खोज कर सकता हूँ क्यों कि मैं जितना व्यस्त रहता हूँ उतना अपने को भूलता हूँ और हम अपने को भूलने के लिए ही व्यस्त रहते विवेक जी ध्यान क्या चीज है अभी एक ध्यान की गोष्ठी हुई है ना? अभी एक ध्यान की गोष्ठी हो रही थी तो मेरे को ऐसा भाव आया कि उसमें ऐसा लिखू कमेंट्स कि जिन लोगों ने भी ध्यान की इतनी चर्चा की है क्या वो बोले कभी ध्यान करते भी हैं खुद ख्याल में है कि नहीं है? अथवा मैं उसमें यह भी लिखने वाला था कि ध्यान करे बिना ध्यान की मार्मिक चर्चा ख्याल में आया कि नहीं आया कि कि साहब ध्यान की व्याख्या करी जा रही है शास्त्रों के आधार से धर्म ध्यान इसे कहते हैं आर्थ ध्यान इसे कहते हैं रौद्र ध्यान इसे कहते हैं धर्म ध्यान के चार प्रकार के भी शुक्ल ध्यान भी होता है और उसमें से एक व्यक्ति भी आधा घंटा ध्यान लगा के देखता नहीं कि होता क्या है और हम सब ध्यान पे बड़ी बड़ी व्याख्याएं करे जा रहे हैं व्याख्या हुई, हुई जा रही है चर्चाएं हो जा रही है साफ फला ने आचार्य ने ये लिखा है उस आचार्य ने लिखा है ओ सब इस ग्रंथ में लिखा उस ग्रंथ में ओ सब दिन का सेमिनार और उसमें से एक आदमी भी मेरी नजर में ऐसा नहीं दिखता कि कोई आधा घंटा रोज ध्यान भी करता हमारी पढ़ाई का ये लेवल है कि हम प्रयोग कुछ करते नहीं और शास्त्रों के आधार से माथा पच्ची करते रहते हैं और लोग फिर ऐसी चर्चा और साहब बहुत मार्मिक चर्चा हुई क्या चर्चा हुई आपने उसमें क्या प्रयोग किया आपने क्या समझा समझ में आया कि नहीं आया है? उसमें डॉक्टर साहब का अंतिम दिवस का जो व्याख्यान था उसमें कितनी बढ़िया डॉक्टर साहब ने बात की कि मुझे मैं किसी से वो क्योंकि वो एक्चुअली में वो जिस लेवल पे बैठे ना उस लेवल पे जाके वो बातें कहना बहुत कठिन है मैं इसलिए कहता हूँ मैं जिस लेवल पे बैठा हूं मैं सब कह सकता क्याल में आया कि नहीं आया वो वहां पे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब शुक्ल ध्यान हो ही नहीं सकता ये पंचम काल में देखना डॉक्टर साहब ने खुल के बोला कि शुक्ल ध्यान की चर्चा में इतना समय क्यों लगाना ख्याल में आए आएगी क्या उससे क्या मिलने वाला है साहब वो परंपरा चलेगी तुमने कहा परंपरा के लिए, लिए लिख दो ना तुम उसके बारे में आगम में आगे आगे चलता रहेगा वो क्रम से लेकिन उसमें इतनी चर्चा करने से क्या होने वाला है अंत समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ पकड़ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूं तो भाई परंपरा शास्त्रों से चलती है तुम्हारे बोलने से नहीं चलती है। ठीक है ना क्योंकि ये बोलना कितने रहेगा तो सब खत्म हो जाएगा काल के गर्त में समा जाएगा लेकिन ये शास्त्र चलती रहती है तो बोले जा उसमें शुक्ल ध्यान की चर्चा आई है उस पर चलने दो आगे छपने दो वो चलती रही लेकिन आप उस उसपे इतना बोल के लगे हो कि साहब ये पत्थर में ये होता है इसमें ये होता है उसमें वो होता है उसमें ये होता है क्या होता है <laughs> क्या होता है करो तो तुम तुम जब धर्म ध्यान से आगे ही नहीं जा रहा तो क्या क्या होता है क्या करोगे वो तो सर्वज्ञ सर्वज्ञ ने ने बताया ना तो सारी दुनिया के बारे में लेकिन हमारे लिए तो प्रयोजन जो हम कर सकते हैं जो हम कर ही नहीं सकते वो हमारे लिए क्या प्रयोजन भूत है बताना लेकिन आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया उपदेश देने वाले मिल जाते अरे नहीं ये तो सर्वज्ञ भगवान का वर्णवाद है जो चल रहा है वो सब सुनना चाहिए जो हो रहा है सब सुनो ऐसा थोड़ा अरे भाई ये जीवन थोड़ा सा है इस जीवन की कीमत पहचानो कहा इन बातों में उलझी रहोगे एक आदमी कुछ भी पढ़ा रहा है कुछ भी सुना है सुनो साहब सुनो सुनो साहब सब जिनवाणी की बातें सब सुनना चाहिए क्या सुनना चाहिए आपका रोग दूर हो वो इलाज करवाना चाहिए कि चाहे जिस डॉक्टर का उपदेश सुनना चाहिए चाहे जिससे दवाई ले लेना चाहिए तो ये जब हम अंतरंग से थोड़े तार्किक बनेंगे थोड़े समझ लो साहसी बनेंगे थोड़े हिम्मत बनेंगे तब आप समझ लेना कि आप कुछ धर्म का मार्ग चुन सकते हो आप कुछ धर्म में आगे बढ़ सकते हो अगर आप डरपोक बने रहोगे डरते रहोगे नहीं नहीं साहब सबकी सुनो जो कह रहे भैया जिनवाणी की बात नहीं, है भैया अपन को कुछ नहीं ज्यादा सोचना ये समझ लेना देखो टोडम मल जी साहब ने अभी मेरी डॉक्टर वीर सागर जी से चर्चा हो रही थी तो डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा वीर सागर जी ने कि विवेक आज बहुत मार्मिक बात पढ़ी मैंने मैंने कहा डॉक्टर साहब बताओ तो बोले टोडा मल्ली साहब ने लिखा जो परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म ध्यान में लगते हैं धर्म के मार्ग में लगते हैं तो देखो उसमें शब्द क्या डाला वो बता रहे थे मेरे को उनको तुम वैसा ही मिथ्या दृष्टि जानना जैसा लोग अन्य मती वाले बोलो कितनी बड़ी बात है ये मतलब आप ये सोचते हो हमारे जैन धर्म की बात है जी हमारे लोगों की बात है जी जो कह रहे सब अपन तो भैया कोई शंका नहीं करनी अपने को सब जो सब सब सही है सब सही है भैया जिनवाणी की बातें है सब विद्वान जिनवाणी से बाहर थोड़ी बात करते हैं अपन तो सब सुनो ये सब महामिथ्या दृष्टियों के लक्षण जानना क्योंकि ऐसे जीव विचारशील नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आज्ञा अनुसारी बिना परीक्षा के ही अपने पंत संप्रदाय में अपने परंपरा में लगे हुए हैं और बिल्कुल भी विचार नहीं करते क्यों तो संजय भैया किसी डॉक्टर के पास तुम्हें कोई ऑपरेशन ऑपरेशन कराना हो करा लिया तुमने देखा कराना हो तो फिर चाहे जिससे करा लोगे हैं करोगे चलो तुम्हारा तिली अस्पताल में करा देते भी नया नया डॉक्टर आया कहोगे कैसी कि बातें करते हो साहब ऐसे कैसे किसी से करा लो अरे अपनी बुद्धि क्यों लगाते हो तुम है तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं ना मैं कैसे पढ़े लिखे ले हो लेकिन डॉक्टर तो प्रॉपर होना चाहिए अरे सब डॉक्टर बढ़िया होते हैं सबने मेडिकल साइंस से पढ़ा हुआ है इतने ही कुछ हो जाए तुम वहां पर सब देख जांच परीक्षा सब उसका रिकॉर्ड चेक करते हो लेकिन धर्म का खाता ऐसा है चाय जिसकी चुनो, चाय जिस सुनो चाय जिससे सुनो चाहे जो सुनो वो तो चाय क्यों क्यों क्योंकि क्यों वहां पर इसमें मेरा हित है ये निर्णय नहीं है अंतरंग से कुछ खबर ही नहीं है इसलिए वहां पर परीक्षा करने का भाव नहीं आता परीक्षा करने का भाव तभी आता है जब अंतरंग में जीव को वास्तव में ये मेरी आत्मा की चर्चा है और अगर इसमें मैंने गलत उपदेश सुन लिया अगर मैंने गलत तत्व ग्रहण कर लिया तो जन्मों जन्मों में भटकना पड़ेगा न जाने कितनी पर्यायों में यह अवसर मिला है और चूक जाऊंगा तब यह जीव तत्व ज्ञान में समझ लो सावधान होता है और चूंकि हम हम सब प्राप्त पर्याय में ही ही हैं हैं और आत्मा की बात भी हम ही सुनते हैं। जैसे अन्य बातें सुनते रहते हैं क्योंकि हमें आत्मा से कोई प्रयोजन ऐसा भाषित नहीं होता कि हम उसमें अत्यंत सावधानी बरते अधिकतर जीवों के मन में तो एक ही बात चलती है कि भाई अपन तो सुनते रहो सबकी सुनते रहो पुण्य तो बंधी रहा होगा कम से कम पुण्य तो बंदी गई घर में बैठने से तो अच्छा है कि मंदिर में चले जाओ चाहे कुछ भी हो देखो ये पुण्य तो ही जाएगा ना कम से कम दो बातें धर्म की चली जाएगी ना ये सिर्फ और सिर्फ वैसी परंपरा है वैसी पागलपन है जैसे अन्नमती राम कथा सुनने चले जाते है उनसे कहो कि तुमने उस कथा में क्या सुना अनुरंजन जी है काय के लिए गए थे कि हमें कुछ पता नहीं कथा सुनने से वैकुंठ मिलता है <laughs> कथा सुनने से भगवान खुश होते हैं बस खत्म तो गोपाल और कोई। और कोई में कि नहीं लगे जैन धर्म ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैन शासन में ऐसी बातों के लिए कोई जगह नहीं है जैन दर्शन कहता है कि बिना प्रयोजन के बिना सावधानी के तत्व को ग्रहण किया ही नहीं जा सकता और जो जीव तत्व में सावधान नहीं है देखा देखी लगे हुए हैं आज्ञानुसारी बने हुए हैं परंपरा से धर्म सुनना चाहते हैं अथवा पुण्य के लिए सुनना चाहते हैं अथवा कुछ खबर ही नहीं है बस सुन रहे हैं इसलिए सुने जा रहे हैं ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ ही नहीं असंभव है इसीलिए तत्व ज्ञान में सावधान होना बहुत जरूरी है तो हमने ये बात समझ ली कही कि भाई आप और हम ये जो मोहनीय कर्म है इसके नाश का उपाय हृदय पे जाकर देखो कि अरंत भगवान ने उस तीर्थंकर जैसे महान सब उदय में और सब राशि वैभव में भी उस आत्मा को जानने के लिए उनने जो पुरुषार्थ जो अंतरंग ध्वनि लगाई जो धगस थी उस आत्मा को जानने की वो क्यों थी क्यों आखिर उनको इस संसार का सुख भोगने लायक अथवा रहने लायक अथवा इसी में रहने लायक क्यों नहीं लगा क्यों उनको लगा कि नहीं सब कुछ नहीं क्यों क्योंकि जो जीव जब विचार करता है तो वो कहता है कि अरे अभी जिस जन्म की मैं खुशियां मना रहा हूं ये मरण होते देर नहीं लगेगी जिस जवानी की मैं बहुत बढ़िया बढ़िया रूप निहार रहा हूँ ये क्रूप होने में देर नहीं लगेगी ऐसा जो जीव विरोधावास जो इस संसार का स्वरूप है कि जहां से सुख दिखता है वहीं से दुख चालू होता है जहां से सुख आता हुआ दिखता है वही कारण दुख का बन जाता है जब जीव ऐसा विरोधावास को समझ लेता है स्वीकार कर लेता है तब वो शुद्धात्मा की ओर बढ़ता है तब वो अपने ज्ञायक की ओर बढ़ता है कि संसार में ज्यादा रचने पचने लायक कुछ भी नहीं है ना तो ये शरीर अपनापन करने लायक है न संयोग अपनापन करने लायक है क्यों क्यों नहीं है क्योंकि इनके बदले विपरीतता छुपी हुई है ये शरीर आज जो मुझे सुंदर दिखाई दे रहा है ये क्रूप होने में देर लगने वाली नहीं है इसलिए अपनापन करने से कोई फायदा नहीं है अंत समझ में आया कि नहीं आया देखो लोक में हम कितने आ रहे हैं आप कौन सा माल लेना पसंद करते हो चाइना वाला साहब कंपनी वाला इंडियन वाला बढ़िया मजबूत साहब चाइना वाला लोग गारंटी कुछ भी नहीं साहब मिनट में खत्म हो जाए है ना तो अपन कहते नहीं साहब ये सौ रुपए का और ये पांच सौ रुपए का तो भी पांच सौ रुपए वाला ले लो ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं अरे अपनापन करना है तो स्त्रकाली ध्रुव भगवान आत्मा में करू उस शुद्धात्मा में करो जो सदाकाल शाश्वत है नित्य है शुद्ध है एक रूप रहने वाला है उस आत्मा में अपनापन करो उस आत्मा के ज्ञान में ताकत लगाओ उस आत्मा के अनुभव में ताकत लगाओ इन संसार में इन संयोगों में कब तक अपना जीवन उलझाओगे तो मैं वो बात कह रहा था पंकज जी अधूरी रह गई ना कि हम अपने को व्यस्त क्यों रखते हैं हर आदमी फ्री रहना नहीं चाहता एक के बाद एक काम एक के बाद दूसरा काम दूसरे के बाद तीसरा क्यों और अगर भाग्य से कोई जीव फ्री हो जाए तो वो दुखी हो जाता है ये फ्री होना दुख का कारण क्यों बनता कोई आदमी से कहो शांति से बैठो आनंद से बैठो तो वो बैठ नहीं सकता अब हम जीवन भर जो कुछ मेहनत करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम शांति से बाद में बैठेंगे आनंद से बैठेंगे और जब आपको आनंद से बैठने का टाइम आता है तब आपको बोल दुख का कारण लगने लगता है कि क्यों इसलिए लगने लगता है कि तुम्हारी वो भी कल्पना थी वो भी पागलपन था कि हम बाद में आनंद से बैठेंगे और अभी भी पागलपन चल रहा है कि साहब हम आनंद से नहीं बैठ पा रहे कुछ काम ही नहीं हमारे पास ये सब की कल्पना है देखो अपने को जितना ज्यादा व्यस्त रखोगे तो तुम्हें दुनिया वाले महान कहेंगे तुम्हें लोग पुरुषार्थी कहेंगे तुम्हें लोग कहेंगे बहुत बढ़िया वो आदमी एक मिनट खाली नहीं रहता लेकिन में जो ज्ञानी है उनने तुम्हें ये कहा उनने अपने कोई उपदेश दिया कि भाई व्यस्त रहने में कोई समझदारी नहीं है निराकुल रहने में समझदारी क्या क्या कहा व्यस्त रहना कोई समझदारी नहीं है निराकुलता ही समझदारी है जो जीव निराकुल है वे जीव समझदार जानना जो जीव अनंत आकुलता में जी रहे हैं अनंत आकुलता में लगे पड़े हुए हैं वे अपने को भ्रम से व्यस्त हैं और करोड़पति और अरबपति बन गए और ऐसा मान रहे हम कुछ कर रहे हैं बहुत बड़े भ्रम में हैं इसलिए अपने को समय देना सीखो थोड़ा एकांत में बैठना सीखो अकेले होना सीखो सबका साथ छोड़ना सीखो क्योंकि भैया अकेले ही रहना है अनंत काल तक अभी डॉक्टर साहब का प्रवचन था ना उसमें दादा ले रहे थे कि भाई तुम्हें सिद्ध बनना है तुम्हें अरंत बनना है तो सिद्ध और अरंत बनने की तैयारी यहीं से करोगे कि वहीं जाके करोगे यहीं से करेंगे तो क्या तैयारी है सिद्ध भगवान अकेले बैठे है दो चार लोगों के साथ बातें गप में कर रहे हैं क्यों अपने में लीन है कि जगत में लीन है बोलो कहा है प्रमोद जी रहिए अनंत अनंत काल अनंत काल तक एक रूप एक जैसा अनुभव एक जैसी अनुभूति दो के साथ संबंध बनाना खत्म अपने में लीन दो कत खत्म ही हो गई एकत्व वक्त भगवान आत्मा में लीन हो गए तो तू भगवान बनने की बात करता है और तू आधा घंटा अकेला नहीं बैठ सकता तो तू काय के आधार पे भगवान बनेगा भाई कि साहब मैं व्रत उपवास करता हूँ ना मैं व्रत उपवास करता हूँ साहब व्रत उपवास करने से कोई भगवान नहीं बनता तो पंकज जी उपवास करने से भगवान बनते है के नहीं है के नहीं साहब भगवान ने बहुत सारे उपवास करे उनने जब जब उपवास करे उससे तो पुण्य बना था उन उपवासों से तो और उसका भी नाश करना पड़ा उनको तभी भगवान बने पुण्य पाप सब नाश कर भगवान ने पाप अकेला नाश किया के पुण्य को भी नाश किया के सब को ही नाश किया पुण्य प्रकृति तो बचा ली होंगी के नहीं साहब पुण्य प्रकृतियों का भी नाश कर दिया तभी तो सिद्ध भगवान बनेंगे तो ये पुण्य पाप सब नाश कर पायो केवल ज्ञान भैया अंतरंग में अगर तुम और हम अभी आधा घंटा के में एकांत में नहीं बैठ सकते तो अभी हमारी भगवान बनने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है और डॉक्टर साहब तो वो स्टाइल में बोलते हैं कि जब तुम यहाँ आधा घंटा नहीं बैठ सकते एकांत में तो सिद्ध बनने की बात भूल जाओ क्योंकि सिद्ध भगवान तो अनंत काल तक एकांत में बैठे हुए हैं ख्याल में आएगी नहीं आया और तुम आधा घंटा नहीं बैठ सकते इसका मतलब अभी तुम गलती में हो कि तुम्हें सिद्ध भगवान बनना है तुम्हें तो कुछ और बनना है तुम झूठ बोलते हो कि सिद्ध भगवान बनना है अगर सिद्ध भगव जिसी को सचिन तेंदुलकर बनना है तो वो क्रिकेट नहीं खेले ग्राउंड पे नहीं जाए बल्ला नहीं उठाए ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा हो सकता है बोलो एक पंद्रह साल का बच्चा गए मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है हम उससे कहे क्रिकेट खेलते हो कि नहीं साहब मैंने क्रिकेट तो कुछ भी नहीं खेला बल्ला नहीं कि नहीं नहीं साहब कुछ भी नहीं तो सचिन तेंदुलकर बनने की सोचते हो तुम कैसे किस, पागल हो तो सचिन तेंदुलकर कौन बनता है कि जो नौ साल की उम्र में बल्ले के अलावा जिसे कुछ नहीं दिखता ख्याल में आएगी नहीं वो सचिन तेंदुलकर बनता है कितने लोगों ने सचिन तेंदुलकर बनने की कोशिश करी और बहुत लोग अभी भी बड़ा भाग लगाते रहते हैं नए <coughs> नए खिलाड़ियों को देखकर ये सचिन बन जाएगा इसमें वो दिख रहा है इसने सेंचुरी बहुत जल्दी पूरी कर ली लेकिन सचिन जैसा धैर्य और सचिन जैसी उसके प्रति जो उसका पागलपन था वो कहाँ से लेके आओगे जो जो जिसको कुछ कुछ और था ही नहीं जीवन में वो चीज कहा से लाओगे जाके सचिन बनते ही सम्यक दर्शन तो सबको चाहिए सम्यक दर्शन की चर्चा बहुत लोग हैं हैं कर रहे और और हो रही है पता नहीं कितना क्या क्या हो रहा है मुझे उससे कोई लेकिन हृदय पे हाथ रख के उन सब जीवों से पूछो कि तुम्हें सम्यक दर्शन वास्तव में चाहिए क्या तो सबके माथे सल पड़ जाएगी कि हमने इतनी गहराई में जाके सोचे ही नहीं कि हमें चाहिए भी है कि नहीं चाहिए कि फिर तुम्हें बातें क्यों करते हो साहब ये बात है तो सब लोग करते थे इसलिए मैं करने लगा वो मुझे भी लगने लगा कि कोई अच्छी चीज है जब इतनी बढ़िया चीज है तो हमें भी मिल जाए लेकिन हमें उसके लिए कुछ करना है ये हमारे दिमाग में नहीं हम तो ये सुनते रहते हैं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल जाएगी वो साहब देश ना सुन रहे हैं अगले जन्म में काम आ जाएगी हमने प्रथमान युग में बड़ी बड़ी कथाएं पढ़ी हैं कि वो फलाना जीव था उसने पिछले जन्मों में मुनिराज को दिए थे। थे। उसने वो कहानी वहां पे प्रवचन सुने अगले जन्म में उसके पाप की सियाल हो गया फिर उसको जाति स्मरण हो गया फिर उसे संवेदसन हो गया बस इन कहानियों के भरोसे ये जीव अपने को डुबो रहा है कि हमें भी कहीं ना कहीं वो अवसर मिलेगा इस जन्म में नहीं तो अंगले जन्म में हमें फिर याद आ जाएगी बातें फिर हमें कोई उपदेश देगा अरे कौन सी कफलत में जी रहे हो जब साक्षात में यहाँ आत्मा की चर्चा मिल गई तुम्हें तो प्योर शुद्ध आत्मा की बात मिल गई और तुम यहाँ तो आत्मा को देखते नहीं उन कहानी किस्सों पे भरोसा कर करके अपने पुरुषार्थ को छुपाते हो अथवा आत्मा की सच्ची रुचि को दिखाते नहीं करते नहीं और बस भ्रम से वो कहानी किस्सों के भरोसे चल रही है गाड़ियां और सुनाने वाले भी सुनाते देखो ना फलाने जीप देखो ना फलाना जीप देखो ना फलाना जीप इस तरीके से गहराई से जब अपन विचार करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अरंत भगवान ने जी अठारह प्रकार के दोष को नाश कैसे किया और अरंत भगवान में जी अठारह प्रकार के दोष अब नहीं हो सकते ये संभव नहीं है ये हम निर्णय कर सकते हैं अभी का समय हो गया ठीक है सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्मे स्वरूप सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप निज निधि निज में बताई यह परम उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारे है वंदना सतवारे है द्वासंग जिन वाणी माता की जय महान जैन धर्म की जय पंच परमिष्टि भगवान की जय सभी को सादर जय जनेन शुभरात्रि